अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत शुक्रिया अपना, आपने अपना कीमती वक्त मेरी वीडियो देखने के लिए निकाला, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हमेशा के लिए आपके लिए अच्छी और सच्ची इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। तो आज की जो व्लॉग है वो बड़ा अच्छा व्लॉग है। आज मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं हूँ इस टाइम इस्तांबुल टर्की में, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ दरबार पे ज़ियारत के लिए, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लूँ ताकि आप दोस्त भी जो है ना ज़ियारत कर सकें। मैं जा रहा हूँ हज़रत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के मज़ार पे हाज़िरी देने के लिए। तो मैं आपको भी वहाँ पे जो है ना ज़ियारत करवाऊँगा ताकि आप भी दुआ मांगें, जो मनता हुई आप दुआ मांगें, इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। तो मैं जा रहा हूँ, मैं घर से निकल गया हूँ। तो जो ही मैं वहाँ पहुँचूँगा या जिस बस पर जाऊँगा तो आपको सारी अपडेट देता जाऊंगा, ठीक है। ये मेरा मोहल्ला है, ठीक है, बाजलर के एरिया में मैं रहता हूँ, बाजलर इस्तांबुल में, ठीक है। तो दरबार पे जा रहे हैं, बस तकरीबन घर से 5 मिनट के फासले पे स्टॉप है, तो वहाँ से मुझे बस मिलेगी हज़रत अय्यूब अंसारी के मज़ार पे जाने के लिए, जो मुझे उतारेगी 1 किलोमीटर दूर। तो इंशाल्लाह मैं फिर मज़ार पे पहुँच के आपको अपडेट करता रहूँगा और ये भी बताऊंगा कि कौन सी बस पे जा रहा हूँ और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसे मिलती है और क्या तरीक़ाकार है, ये भी बताऊंगा आपको। ऐसे हमारी गाड़ी आएगी, इस तरह की गाड़ी में बैठ के हम जाएंगे। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का ऐसा निज़ाम है, जो भी आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, आपने बस लोकेशन डालनी है, लोकेशन डालते ही आपको वो बता देगी कौन सी गाड़ी किस तरफ जा रही है। जहाँ आप हैं वहाँ की लोकेशन, योर लोकेशन पे आगे जिस जगह जाना है आपने वो लोकेशन लिखनी है, ये आपको बता देगी गाड़ी कौन सी गाड़ी किस जगह जाएगी, ठीक है। ये स्टॉप है, ठीक है, यहाँ पे गाड़ी जो आएगी, ठीक है। यहाँ पे बड़ा प्यारा निज़ाम है, जौन सी गाड़ी भी जब आएगी ऊपर लिखा होता है कि ये गाड़ी इतने टाइम बाद आएगी, ये सारी डिटेल लिखी हुई है। ये बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है इनका, ठीक है। इधर से गाड़ी आएगी, यहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं तो वो टैक्सी का यूज़ करते हैं, टैक्सी यहाँ पे काफ़ी महंगी है। तो अगर हम बस का यूज़ करें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, सिर्फ हमें 10 रुपये का कार्ड लगता है, ठीक है। इस्तांबुल कार्ड होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। टैक्सी यहाँ पर महंगी है, यहाँ वो छोटी गाड़ी आपको नज़र आ रही है, मिनी बस, ये भी जाती है, ये भी महलों से गुजर के जाती है, ये भी इसका भी तकरीबन स्टाप से स्टाप जाएंगे तो 5 रुपये, आगे जाएंगे तो 7 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करेंगे तो 9 रुपये इसका किराया है। इसकी बात कर रहा हूँ, ये मिनी बस है जी। दोस्तों दरबार शरीफ में मैं पहुँच चुका हूँ, ठीक है। ये मेरे पीछे आपको दरबार नज़र आ रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं, सारी दरबार भी दिखाऊँगा और दरबार का जो एरिया है वो भी जो है ना आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो दरबार शरीफ में आने के लिए मेरे मोहल्ले से जो है ना एक कार्ड लगा, 10 रुपये मेरे लगे इधर आने के। तो हर मोहल्ले से, हर जगह से, यहाँ से यानी कि ट्रांसपोर्ट एक से दूसरी जगह जाती है, तो आप नेट पे डालेंगे तो आपको बड़ी आसानी से गाड़ी मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं तकरीबन 1 घंटे 1.25 घंटे में इधर आ गया हूँ, ठीक है। तो अब आपको दरबार की ज़्यारत कराते हैं और जो इर्द गिर्द के एरिए हैं वो दिखाते हैं, ठीक है। ये दरबार शरीफ है मेरे पीछे, ठीक है, लोग बैठे हुए हैं, ये होटल वगैरह हैं पीछे, ठीक है। जब आप इंटर होते हैं, ठीक है, इधर से भी इंटर हो सकते हैं और इधर से भी इंटर हो सकते हैं, ठीक है। अब दिखाता हूँ मैं आपको दरबार के आसपास का मनाजर। जब आप दरबार की तरफ इंटर होंगे तो रास्ते में आपको होटल मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से खाना पिज़्ज़ा वगैरह हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। ये देखें, लोग ज़्यारत के लिए आए हुए हैं और खाना खा रहे हैं ज़्यारत करके, ठीक है। और फिर उसके बाद ये चीज़, ये इंटरेस्ट है, यहाँ से आपने कोई भी दरबार की चीज़ लेनी हो, ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगी। अगर आपने कोई नियाज वगैरह बांटनी हो या कोई भी चीज़, तो इधर से आपको मिल जाएगी। ये बच्चों के खिलौने भी लगे हुए हैं, ठीक है, ये टॉफियाँ वगैरह हैं, ठीक है। कोई भी नियाज चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से टोपियाँ वगैरह, ठीक है, अत्तर वगैरह, मसवाक वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, रुमाल वगैरह, ठीक है। ये सारी ऐसे ही शॉप्स हैं नियाज के लिए और जो आपने कोई चीज़ वगैरह लेनी है, ठीक है।
कोई भी चीज़ लेनी हो आप यहाँ से ले सकते हैं, तस्बीह वगैरह, ऐनक वगैरह, ठीक है, कोई भी चीज़ जो आपके पसंद की है। ये मैदान है, ये दरबार का ग्राउंड है, यहाँ पे थोड़ी गर्मी है, टम्परेचर तकरीबन 26-27 पे है, तो लोग ज़ियारत करके दुआ मांग के बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, छाँव में बैठे हुए हैं। ये सामने जी दरबार है और अयूब सुल्तान मस्जिद है, मास्क है, ठीक है। आज आपको मस्जिद का भी दिखाते हैं और दरबार की भी ज़ियारत करवाते हैं। इधर से इंटर होंगे इस दरवाज़े से तो आपको मज़ार की ज़ियारत करेंगे, उस दरवाज़े से इंटर होंगे तो वो सामने मस्जिद है, ठीक है। तो हम मस्जिद वाली साइड पे चलते हैं। ईद भी यहाँ पढ़ाई जाती है और नमाज जुमे का भी अहतमाम होता है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे जुमे की नमाज अदा करने के लिए आते हैं। ये सारा ग्राउंड जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे जुमे की नमाज और ईद की नमाज जो है ना यहाँ पढ़ाई जाती है। जुमे के दिन बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। ये साइड पे शॉप वगैरह हैं, ज़रूरत की चीज़ें जो भी आपको चाहिए हो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये जी इंटरेस्ट है, यहाँ से इंटर होना है। ये सारा जो डिटेल है मस्जिद की और दरबार की लिखी हुई है, ठीक है। इधर भी अयूब सुल्तान, ये तुर्कश में लिखी हुई है। ये सामने माशाल्लाह मस्जिद है। पहले आते ही आपने वुजू करना है, वुजू के साथ वुजू करते ही आपने नफल वगैरह पढ़नी हो, नफल वगैरह पढ़े, दरबार पे जाना हो दरबार पे दुआ मांगे, ठीक है। ये सामने मस्जिद है और इधर दरबार है, ठीक है। यहाँ पे अरबी लोग भी आए हुए हैं और गैर मुस्लिम भी आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो भी गैर मुस्लिम आएगा उसको जो है ना सर डांप के यानी कि स्काफ लेके औरत को अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि वुजू करने की इधर भी जगह है और इधर भी वुजू करने की जगह, ठीक है। अब दरबार के अंदर चलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी गलत है, यहाँ जो आपके जूते होते हैं ना वो शापर में डाल के आपको साथ अपने अंदर लेके जाना पड़ता है, ये तरीका नहीं सही मेरे ख्याल में। इधर से शापर लेना पड़ेगा, शापर लेके अपने जूते उसमें डालने पड़ेंगे, जैसा कि ये मैं अपने जूते जो है ना शापर में डाल रहा हूँ, ऐसे लोग बारी बारी अपने जूते शापर में डाल के साथ अपने ले के जा रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, शापर इधर से ले के जूते डाल के जा रहे हैं। आए जी दरबार की माशाल्लाह ज़ियारत करें। माशाल्लाह दरबार की ज़ियारत करें, दुआ अल्लाह आपको भी कामयाब करे और हमें भी कामयाब करे। अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के मज़ार पे
हाजिरी देने के लिए हम आए हैं। ये माशाल्लाह ज़ियारत है। जी हज़रत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के दरबार के साथ ही ये बाज़ार है, ठीक है। बाज़ार में यानी कि ज़रूरत की सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। जो भी चीज़ आपको चाहिए हो, ठीक है, कपड़े वगैरह हैं, बेकरी वगैरह हैं, ठीक है। उसके बाद तस्बीह वगैरह, जो भी यानी आपको तोहफा कोई चाहिए हो, इधर से बड़ी आसानी से मिल जाता है, ठीक है। काफ़ी बड़ा बाज़ार है, खाने पीने की चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह, ज्वेलरी वगैरह। ये देखें ज्वेलरी की शॉप आपको दिखाता हूँ, ये देखें काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी है, ठीक है। डिस्प्ले अच्छा हुआ है। ये आइसक्रीम है, ठीक है, आइसक्रीम आप खा सकते हैं। जो भी चीज़ आपने खानी हो आप जो है ना खा सकते हैं। ज़्यादातर जो रश था वो पीछे ही था, यहाँ पे रश कम है। फिर देखें जी शूज़ लगे हुए हैं, 350 लीरे के शूज़ हैं, ठीक है।